अगर दोस्तों आप लोग किसी भी तरह से, चाहे आप लोग बिजनेस करते हो, चाहे आप लोग कहीं पर जॉब करते हो, अगर आप लोग महीने का अगर आप लोग 10,000 रुपये कमाते हैं और वो आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, तो आप लोगों को भैया आज डेफिनेटली लोन मिलने वाला है। दोस्तों आज हम बात करेंगे भैया हिंदुजा ग्रुप फाइनेंस की बात करने वाले हैं। आपने भैया इसका नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि यार 110 साल पुरानी ऑथेंटिक कंपनी है दोस्तों, जिसके अलग अलग बड़े बड़े ब्रांड भी अभी चल रहे हैं दोस्तों। तो इसमें आपको कुछ छोटी छोटी बातें हैं भैया, एक दो बातें मैं आपको बताऊंगा, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्योंकि यार हमें इस बात का पता है कि बैंक वगैरह हमें आसानी से यहाँ पर लोन नहीं देते हैं, या हमारा जो प्रोफाइल होता है, हमारा जो सिविल स्कोर होता है, हमारी जो इनकम प्रूफ होती है, हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, वो कई बार क्या होती है, रजिस्टर्ड नहीं होती है। तो उस कंडीशन के अंदर भैया हमें NBFC या हाउसिंग फाइनेंस की तरफ आना पड़ता है। तो वहां पर भैया हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छा नाम यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर आपको जो वैल्यूएशन होगी उसका भैया 90% तक आप लोगों को आसानी से भैया यहाँ पर लोन मिल जाएगा। सबसे बड़ी कमी इस हाउसिंग फाइनेंस की यही है कि यहाँ पर आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ज्यादा देखने को मिलेगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, आपको पता है कि उन कस्टमर्स को लोन देती है जिनको अभी तक किसी ने लोन नहीं दिया है, या जिनका किसी ना किसी कारण से यहाँ पर लोन सैंक्शन नहीं होता, उन सभी कस्टमर्स को भैया यहाँ पर लोन देती है। और आप लोगों ने एक रूल तो पढ़ा ही होगा, अगर आप लोगों का क्रेडिट स्कोर खराब है, या आप लोगों का इनकम प्रूफ कम है, या आपकी प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड है, तो उस कंडीशन में भैया लोन तो आपको मिलता है, लेकिन वहां पर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 2-3% वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो मित्रों आपको यहां पर सबसे पहले किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, बहुत ही सिंपल से एक दो आपको डॉक्यूमेंट चाहिएंगे और बाकी सब कुछ आपका फटाफट काम हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले भैया हम शुरुआत करें इसके चार्जेज की भैया, तो आप लोगों को भैया लॉगिन फीस यहां पर 4,600 रुपए यहां पर आपको देनी होगी। ऐसा बैंकों के साथ में नहीं होता, वहां पर बैंक आपसे पहले पेमेंट नहीं लेते, ये अपनी लॉगिन फीस है वो 4,600 रुपए यहां पर देंगे। लोन अमाउंट की बात करूं तो भैया लोन अमाउंट आपको 2 लाख रुपए मिनिमम से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का आपको मिल सकता है। जो ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम आप लोग 25 साल तक करवा सकते हैं। और मैं बात कर रहा था भैया इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भैया आपकी लगभग 13.5% तक की आप लोगों को यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल सकती है दोस्तों। चाहे वो आपका होम लोन है, वो किसी भी टाइप का, चाहे आप लोग नया बना रहे हैं, या पुराने को रिनोवेशन करा रहे हैं, या पुराना बैलेंस को ट्रांसफर करा रहे हैं, या अपनी लिमिट को बढ़वा रहे हैं। अब हम बात करते हैं भैया एलिजिबिलिटी की, तो भैया आपकी एज है वो 21 साल, न्यूनतम अधिकतम आपकी 65 ईयर होनी चाहिए। इनकम की मैंने आपको बात बताई दी कि मिनिमम आपकी 10,000 रुपये पर मंथ की आपकी इनकम होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप लोग अगर कहीं बिजनेस कर रहे हैं तो भैया बिजनेस का आपका ITR होना चाहिए। अगर आप लोगों ने बैलेंस शीट बना रखी तो चाहे वो प्रॉफिट की हो चाहे लॉस की, उसके आप लोगों को यहाँ पर जीरोक्स कॉपी बतानी पड़ेगी। साथ में आपको अपना बिजनेस है उसको आपको वहाँ पर प्रूफ करना होगा दोस्तों। और सैलरी वालों की बात करें तो भैया उनको तो फॉर्म नंबर 16 की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है, या मान लीजिए फॉर्म नंबर 16 नहीं मिलता है तो उनको IT रिटर्न की आवश्यकता होने वाली है। बस इन सभी चीज़ों को आप लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन वगैरह वो सारी कंपनी वाले निकाल लेते हैं दोस्तों। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आप लोग इसका लिंक भी अवेलेबल